मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44 और क्लास 10th। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका जो टॉपिक है वो आपकी लास्ट वर्कशीट का ही सेकेंड पार्ट है, मीन्स आपने चैप्टर 2 द थीव स्टोरी, ठीक है, बाय रस्किन बॉन्ड पढ़ी थी, उसी का हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। मतलब उसको आपने हाफ पढ़ा था, अब जो हाफ स्टोरी उसे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें क्या करना है, लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी। ओके, देयर इज अ स्मॉल टाइम थीव हरी सिंह हु बी फ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। एक हरी सिंह नाम का थीव था, मतलब चोर था, जो कि किसका दोस्त था, स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। किसका? स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल का, मतलब वो एक फ्रेंड बनता, ये दोनों फ्रेंड बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जो हरी सिंह है वो एक थीव है और वो चाहता है कि वो अनिल के घर में पहले रह के उसका विश्वास जीते और फिर उसके घर में जो है चोरी करें। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, तो जो उसका प्लान है हरी सिंह का चोरी का, जो वो अनिल के घर में बना रहा है कि पहले वो उसका विश्वास जीतेगा और फिर जो है चोरी करेगा। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, और क्या होता है कि अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, अनिल और हरी सिंह दोनों ही, खैर जो हरी सिंह है वो अपने ऊपर विश्वास किसका बनाता है, अनिल सिंह जो है उसका विश्वास डेवलप करता है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ रह रहा हूँ। और अनिल जो है वो उसका जो मतलब हरी सिंह उसको भी लगता है कि अनिल जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तो दोनों ही के जो मन में है एक दूसरे के लिए एक तरीके से ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। तो यहाँ पर अनिल जो है उसके अंदर ये है कि हाँ हरी सिंह जो है वो एक अच्छा इंसान है, और यहाँ पे वो जो हरी सिंह है वो ये सोचता है कि अब मैं जो है अनिल को क्या करूँगा, अनिल को अनिल के घर में रह के जब उसका विश्वास जीत लूँगा तो मैं उसके घर में चोरी करूँगा। तो वो एक सही वक्त का, राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। जब वो पैसे चुरा लेता है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। ओके, बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम and he returns to Anil because he wants to live a life to respect। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो चोरी तो कर लेता है, वो सोचता है मैं ऐसे हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मगर उसकी जो इनर वॉइस होती है, उसके अंतरात्मा जिसे आप कहेंगे, वो उसको रोक लेती है और वापस लेके आती है अनिल के पास, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि वो एक रिस्पेक्ट की लाइफ जिए। अनिल डज नॉट शो ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। अनिल सिंह को सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है कि हरी सिंह कैसा है, उसने एक चोरी की, क्या किया, लेकिन उसके बाद भी वो उसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि वो सुधर जाए। और एक तरीके से जब वो जो है सुधर जाता है, वो वापस आता है, ठीक है, तो वो अनिल जो है वो हरी सिंह को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है अपने, मतलब एक तरीके से बाहें फैला के कहता है कि हाँ तुम जो हो मेरी लाइफ में फिर से इन्वाइटेड हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वो डायरेक्ट नहीं कहता है, इनडायरेक्टली ये चीज़ शो करता है। दस अ वेल इंटेंशन पर्सन ट्राइज टू रीफॉर्म अ टीनेजर हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। तो वो जो है एक तरीका होता है कि आप किसी को डांटें, फटकारें, ठीक है, और बैठ के ज्ञान दें कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप किसी को समझाने की जगह उसे रियल लाइफ में उसे महसूस करवा दें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अनिल सिंह जो अनिल है वो हरी सिंह को क्या करता है, उसे महसूस करवाता है कि उसकी लाइफ जो है वो करेक्ट पाथ पर कैसे आ सकती है, ठीक है, उसे वो सारी सुविधाएं एक तरीके से वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में से प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो रॉन्ग पाथ की जगह करेक्ट पाथ पे जा सके। ओके, सो इसके बाद आज का जो हमारा ये हमने शॉर्ट में पढ़ी स्टोरी, इसे हम जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूरा डीपली पढ़ते हैं, तो चलिए रीड करते हैं। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अब जो आपने लास्ट पढ़ी थी स्टोरी उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। अब यहाँ पे हरी सिंह बता रहे हैं स्टोरी, ठीक है, वो नैरेटर है, वो कह रहा है कि मेरा जो हाथ है वो मैट्रेस के नीचे, जो गद्दा है उसके नीचे धीरे से स्लाइड करते हुए गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स।
नोट्स को सर्च करने के लिए, मतलब ढूंढ रहा है वो कि पैसे कहाँ रखे हैं, ठीक है। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसे ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने उसे धीरे से वहाँ बिना किसी आवाज़ के निकाल लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। क्रॉल का मतलब होता है कि जब आप, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल ऐसे धीरे धीरे चलता है, तो वो यही कहता है कि मैंने धीरे धीरे जो है क्रॉल करके, मतलब घुटनों के बल चल के धीरे से रूम से बाहर जल्दी जल्दी करके निकल आया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे आया, तो पहले वो पैसे उसने निकाले, फिर बाहर आया कमरे से, और फिर वहाँ से भाग गया। कहाँ भागा वो? रोड पे आया। आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू किया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने क्या किया कि पहले तेज तेज भागने लगा, और फिर उसके बाद धीरे 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 चलने लगा। 600 rupees in 50s, अब 600 रुपये हैं, ठीक है, और 50s मतलब 50 की नोट है, और कम से कम 600 रुपये हैं। आई कुड लिव लाइक एन ओ ऑयल रिच अरब। अब वो कैसा महसूस कर रहा है अपने आप को, कि जैसे कि वो कोई ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब वो अपने आप को एक रिच इंसान, अरब का एक रिच इंसान समझ रहा है। ओके, When I reached the station, the Lucknow Express was just moving out. वो जैसे ही स्टेशन पहुँचता है तो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस बस वहाँ से जो है आ ही, मतलब निकली ही रही होती है, एक तरीके से जा ही रही होती है। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. अब वो क्या बोलता है कि एक तरीके से वो ट्रेन बस लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ पे चलना शुरू ही होती है। आप वो स्टेशन पे पहुँचता है और वो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस बस चलना शुरू ही हुई है, तो वो कह रहा है कि मैं चाहता तो मैं भाग के किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, ठीक है, किसी भी डब्बे में चढ़ के और उसमें बैठ सकता था, मगर बट आई हेजिटेट। अब वो क्या कहता है, बट आई हेजिटेट मतलब मैं जो हूँ एक तरीके से झिझक रहा हूँ, फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता भी नहीं सकता कि आई लॉस द चांस टू गेट अवे, मतलब मैंने वो चांस जो है वो छोड़ दिया, मतलब लखनऊ एक्सप्रेस पहले स्टार्ट हुई जब मैं पहुँचा और धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ी और वो निकल गई, और मैं चाहता तो उसमें चढ़ सकता था पर मैं चढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे कोई बात थी जो हेजिटेट कर रही थी, रोक रही थी, शायद मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आई लॉस द चांस टू गेट अवे, मैं उसमें चढ़ने का जो चांस था वो छोड़ चुका था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। वो कहता है कि जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैंने देखा पूरे प्लेटफॉर्म में मैं अकेला ही वहाँ पर खड़ा था। ओके, I had no idea where to spend the night. The only person I knew really well was the man I had robbed. कहता है कि मैं वहाँ अकेले खड़ा था, फिर मैंने सोचा कि मैं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, मैं सोच रहा था कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा, और जिस एक ओनली पर्सन को मैं जानता हूँ, सिर्फ एक इंसान को जिसको मैं जानता हूँ, उसको मैं रॉब कर चुका था, मतलब उसके घर में चोरी कर चुका था, ठीक है। फिर है, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे छोटे से करियर में एज अ थीफ, मतलब एक चोर के छोटे से करियर में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे, पढ़े, और मुझे इतना पता चला कि लोगों के अंदर क्या क्या कैसा महसूस करता है जब उनकी उनके घर चोरी होती है, या उनके पैसे या कोई भी मटेरियल चोरी होता है। तो वो बता रहा है, अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान क्या होता है, ग्रीडी मैन, शोर्ट फियर, उसको डर लगता है कि ओ मेरे पैसे चोरी हो गए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, उसको ऐसा लगता है उसका सब कुछ लुट गया, उसके पैसे चोरी हो गए, उसका सब कुछ लुट गया। द रिच मैन शोर्ट एंगर, जो अमीर इंसान होता है वो गुस्सा दिखाता है कि कैसे किसी की हिम्मत हो गई कि मेरे घर में चोरी कर ले। द पुअर मैन शोर्ट एक्सेप्टेंस, जो गरीब इंसान होता है वो सोचता है कि अब तो जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, ठीक है। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, कहता है लेकिन इसके अलावा मुझे पता था कि अनिल का फेस कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, अब वो बोलता है कि मुझे ये पता है कि अगर उसे पता चलेगा कि चोर कौन है क्या है तो उसका फेस कैसा होगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे सिर्फ एक चीज़ महसूस होती, टच ऑफ सैडनेस, मतलब उसके चेहरे पे उदासी होती, उसके अंदर दुख होता। किस बात का दुख होता? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो कहता है पैसों के लिए नहीं होता, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट के लिए होता, उस विश्वास के लिए जो अनिल ने हरी सिंह पे किया था, वो विश्वास खो गया कि वो ऐसा नहीं करेगा, बट उसने ऐसा किया, उसने चोरी की।
आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. कहता है कि मैं अपने आप को एक तरीके से बहुत एक बुरा महसूस करते हैं ना आप, तो कह रहा कि मैं जो हूँ वो ऐसा महसूस कर रहा था. वो कहता है कि जैसे मतलब लॉस्ट हो जाते हैं ना, कि हम खो जाते हैं कि ये कैसा मतलब क्या किया मैंने, अब क्या करूँ मैं आगे. तो वो ऐसे ही सोच सोच के बेंच पे बैठा है. द नाइट वॉज चिली. अब जो ठंड है वो कैसी है, चिली है. इट वॉज अर्ली नवंबर, मतलब ठंड जो है नवंबर जब स्टार्ट होता है तो ठंडक थोड़ी होती है ना हवा में. एंड अ लाइट डिजलिंग एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट. और जो रोशनी है, ठीक है, मतलब उसको ठंड महसूस हो रही है. अब ठंडी रात है, अब वो सोचा है वो कहाँ जाए. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवनली. और धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश जो है तेज़ होने लगी. आई फेल फॉर द नोट्स. अब क्या हुआ, जो नोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे ना. दे वर डैम फ्रॉम द रेन. अब वो धीरे धीरे क्या हो गए, भीग गए हैं सारे नोट जो है बारिश की बूंदों की वजह से भीग गए. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. अब वो क्या सोचा है, अब वो सोचा है कि अगर वो घर पे होता और अनिल के पैसे होते तो सुबह वो क्या करता, वो सुबह सुबह उसे जो है पैसे देता, 2 or 3 rupees देता कि वो जाके सिनेमा जो है वहाँ चला जाए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. बट कहता है कि अब मेरे पास वो सभी पैसे, जिन पैसों में से वो मुझे कुछ हिस्सा देता, अब वो पैसे सभी मेरे पास हैं. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स. अब वो कह रहा है कि अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना. रन टू द बाजार टू और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. कहता है कि अब जो है मैं उसके लिए बाजार नहीं जाऊंगा, अब मैं उसके लिए होल सेंटेंसेस जो वो मुझे सिखाता था शायद अब मैं वो सीख नहीं पाऊंगा, नए नए सेंटेंसेस जो मुझे सिखाता था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. तो कहता है कि मैं ये सब भूल गया था, कि अपनी चोरी के चक्कर में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था. मुझे ये याद ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो है अब मुझसे छिन जाएंगी. होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees. कहता है कि अगर शायद मैं वो सेंटेंसेस सीख लेता और मैं मतलब एक तरीके से अब वो पढ़ाई तो रहा था और अगर वो पढ़ना सीख जाता तो क्या कहता है वो, कि शायद मैं फ्यू 100 rupees से शायद ज़्यादा जो है एक तरीके से वो कमा भी सकता था और उससे ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता था. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. कहता है कि फिर मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. मैंने अपने आप से कहा कि मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए और फिर से सीखना चाहिए रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना लिखना फिर से सीखना चाहिए और उसके पास वापस जाना चाहिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब चोरी तो कर ली, भाग भी गए, बहुत आसान था, ये ज़्यादा आसान था, मगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है. आपने कोई गलती की है और अगर वो गलती हो गई आपसे अनजाने में, ठीक है, या फिर जानबूझ के, लेकिन अगर आपको महसूस हुआ कि वो गलती हुई है और आप उसे सुधार सकते हैं और सुधारना चाहिए, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है. अब यहाँ पे हरी सिंह के साथ भी यही होता है कि आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब वो जल्दी से आ तो जाता है, मतलब वहाँ पे वापस आने की कोशिश करता है, पर अब वो नर्वस है. फोर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. वो कहता है कि एक तरीके से चोरी करना ज़्यादा आसान है लेकिन उसको वापस करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप जब चोरी कर लेते हैं और वापस आए तो वो इंसान का मूड कैसा है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या करेगा, आपको नहीं पता. अनिल वॉज स्टिल एज स्लिप. अब अनिल अभी भी सो ही रहा है जब वो वापस आया. आई क्रैप टू द हेड टू द ऑफ द बेड. अब वो क्या करता है, वो फिर से जो है बेड के पास जाता है. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. अब कहता है मेरे जो हाथों में पैसे हैं उसको लेके वो वापस से वहीं पे रख देता है. एंड देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. और वो जो मैट्रेस है, गद्दा है, उसका कॉर्नर जो है वो ढूंढ लेता है और वहाँ पे क्या करता है, पैसे वापस रख देता है. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. ठीक है, वापस पैसे वहीं पे धीरे से रख देता है. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अब वो कहता है कि मैं अगले दिन जो सुबह है थोड़ा लेट उठा, थोड़ा ज़्यादा लेट उठा और देखता हूँ कि अनिल ने ऑलरेडी जो है चाय जो है वो बना दी है, टी जो है रेडी करके रखी है. ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. और वो अपने हाथ को हरी सिंह के पास लेके आता है जब वो उठता है. देयर वॉज अ 50 rupees नोट बिटवीन हिज फिंगर. अब वो देखता है कि उसकी उंगलियों के बीच में 50 rupees है. अब कितने हैं, 50 rupees. ठीक है, माई हार्ट शैंक. अब कहता है मेरा जो दिल है वो अचानक से मतलब एक तरीके से शॉक हो जाता है ना. आई थॉट
आई हैड बीन डिस्कवर्ड, वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसने मुझे पकड़ लिया है, मतलब वो जान गया है कि मैंने चोरी की है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, वो कहता है कि मैंने कुछ पैसे जो है वो यस्टरडे, मतलब लास्ट डे जो है, ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो वो कहता है कि मैंने जो कुछ पैसे चोरी किए थे लास्ट डे, शायद उसको पता चल गया है। लेकिन यहाँ पे अनिल क्या कहता है कि जो मैंने कुछ पैसे कमाए थे लास्ट डे, ठीक है, जो उसने लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि उसको उसके बुक्स के जो है पैसे मिले थे, ठीक है, तो उसके पैसे में से उसने क्या कहा कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब वो हरी सिंह को कहता है कि जो मैंने पैसे कमाए हैं इसमें से मैं तुम्हें जो है रोज़ जो है पे करूँगा, ठीक है। माय स्प्रिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। वो कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं जो हूँ एक तरीके से खुश हो गया, एक तरीके से उसे लगा कि इसे नहीं पता चला, लेकिन जब उसने नोट को पकड़ा, थामा हाथों में, ठीक है, तब उसे क्या लगा कि ये तो अभी रात की बारिश में भीगे हुए हैं, गीले हैं, ठीक है। और अनिल को ये चीज़ पता है कि वो तो जब नोट लेके उसने रखा था अपने मैट्रेस के नीचे तो वो सूखे थे, लेकिन जब वो सुबह देता है हरी सिंह को तो वो नोट कैसे हैं, गीले। और बारिश कब हुई थी, रात को हुई थी, ठीक है, जब अनिल सो रहा था। तो इससे क्या है, इससे अनिल को ये बात पता चल गई होगी, लेकिन अनिल ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सैड, वो कहता है कि आज हम सेंटेंसेस जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स और हिज आईज शोड एनीथिंग। अब वो क्या कहता है हरी सिंह कि अनिल को सब कुछ पता है पर उसकी आंखें और उसके होठों ने कुछ भी नहीं कहा और आंखों ने बिल्कुल कुछ शो नहीं किया कि वो दुखी है या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप कितने भी अच्छे शो करें लेकिन कहीं ना कहीं आप गुस्से में आते हैं तो एक आध शब्द बोल देते हैं, पर अनिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सोचा कि 15 साल का वो लड़का जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे सही रास्ते पर लाने के लिए वो उसकी मदद करे, उसकी हेल्प करे, उसे डायरेक्शन दे, बिना डांटे बिना कुछ कहे वो उसको सिर्फ सपोर्ट करता है। और जो सपोर्ट वो करता है उसकी वजह से हरी सिंह जो है वो सच में करेक्ट पाथ पे आता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वो कहता है कि मैंने अनिल को एक बहुत अच्छे मतलब वे में, एक बहुत अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, वो कहता है कि मैंने अनिल को स्माइल किया और बहुत खुशी से किया, ठीक है, एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ, वो खुशी जो थी वो स्माइल थी, वो झूठी नहीं थी, वो खुद से आई थी विदाउट एनी एफर्ट, उसने कोई कोशिश और मेहनत नहीं की, वो मुस्कान उसके चेहरे पे नेचुरली आई कि इसे सब कुछ पता है, इसने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा और ये मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहा है कि मैं कुछ सीखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको कोई सही राह दिखाने के लिए आपको सपोर्ट करता है तो खुशी जो होती है ना वो अलग ही होती है। तो यहाँ पे हरी सिंह को लगा कि इतनी बार उसने चोरी की है, सब उसको एज अ चोर देखते थे, एज अ थेफ्ट देखते थे और उसे पकड़ के सोचते थे मारें या जेल में डाल दें, ऐसी चीज़ें, ठीक है, ये भी नहीं सोचते थे कि 15 साल का छोटा लड़का है उसे सिखाया जाए समझाया जाए, नहीं। पर अनिल ऐसा था जिसने उसे बिल्कुल कभी समझाया नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प की कि वो पढ़े लिखे, उसे छोटे छोटे काम दिए, थोड़ी आज़ादी भी दी कि वो सिनेमा देखे, कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, बाज़ार में उसको पैसे देता था वो बचा लेता था तो वो वापस भी नहीं मांगता था। तो इतनी सारी उसे जो थी रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो सारी हटा दी थी और उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया था कि वो जिए और अपने आप को डेवलप करे, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर है इस स्टोरी से ये हम देख लेते हैं स्लाइड पर कि कैसे करेंगे। और जो आपको एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है ये क्या है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है CAB टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। आपको मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है और अपना बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग इस जो कोविड है इसमें अपना ध्यान रखेंगे तो अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, ठीक है, आप और आपकी फैमिली सेफ रहनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द नैरेटर रीच द स्टेशन, नैरेटर जो है वो स्टेशन तक क्यों पहुंचा, ठीक है, व्हाई डिड द नैरेटर रीच द स्टेशन। आंसर है द नैरेटर, नैरेटर यहाँ पे कौन है, हरी सिंह है, ओके, द नैरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, अनिल के पैसे चोरी करने के बाद रैन अवे टू गो टू अनादर प्लेस बाय ट्रेन,
वो चाहता था कि वो पैसे चोरी करे और किसी और जगह चला जाए, क्यों, जिससे वो बच जाए। सो ही रीच द स्टेशन, तो वो स्टेशन पहुंचता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, वो क्यों हेजिटेट कर रहा था ट्रेन जो है उसे ले, मतलब ट्रेन पकड़ने से क्यों हेजिटेट कर रहा था, क्यों घबरा रहा था, क्यों झिझक थी उसके अंदर। आंसर है हिज इनर वॉइस मेड हिम रेस्टलेस टू कैच द ट्रेन, सो ही हेजिटेट टू चीट अ लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन लाइक अनिल। तो वो क्या करता है यहाँ पे, उसे महसूस होता है कि जो उसके इनर वॉइस है, मतलब उसके अंतरात्मा एक तरीके से क्या होती है, रेस्टलेस हो जाती है, एक तरीके से हार जाती है, कि वो ट्रेन पकड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती। सो ही हेजिटेट टू चीट अ लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन, उसे लगता है कि वो एक बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति को, एक सिंपल इंसान को कैसे चीट कर सकता है, जो कि अनिल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो स्पीकर है वो प्लेटफॉर्म पे अकेला क्यों खड़ा है, ठीक है, क्यों खड़ा था। आंसर है द स्पीकर वाज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, क्योंकि जो ट्रेन थी वो तुरंत वहाँ से, मतलब कुछ देर पहले ही चली गई थी, तो उससे क्या हुआ कि वो वहाँ पे अकेला था, मतलब पहले उसने देखा, वो चाहता तो उसमें भाग के चढ़ सकता था पर वो चढ़ा नहीं, और फिर वो चलती हुई ट्रेन जो है स्पीड पकड़ के और निकल गई, तो यहाँ पे उसने अपनी ट्रेन जो है छोड़ दी थी, और उसने जब देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था। ओके, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यहाँ पे वो जो हरी सिंह है उसने बताया था ना स्टोरी में कि लोगों के कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं जब उनके साथ चोरी जैसी वारदात हो जाती है। सो आंसर है इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ, उसके छोटे से करियर में, क्योंकि अभी वो खुद ही 15 साल का है, लेकिन उसने जो कुछ वक्त बिताया है जिसमें उसने बहुत चोरियां की हैं उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, उसने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखा, व्हेन दे लॉस देयर गुड, जब लोगों के घर चोरी हो जाती है या वो अपना सामान जो है वो खो देते हैं, ठीक है, चोरी हो जाता है मतलब, ही सैड दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पे क्या होता है, फियर होता है, डर होता है, द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर इंसान होता है उसके चेहरे पे गुस्सा होता है, एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है वह एक्सेप्ट कर लेता है कि अब क्या कर सकते हैं, पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक, वो वापस क्यों आता है, ठीक है, वाई डिड ही कम बैक, वो वापस क्यों आता है एंड पुट अनिल्स मनी बैक, और वापस उसके पैसे भी लेके आता है, ये नहीं कि अकेला आता उसके साथ उसके पैसे भी लाता है। आंसर है सम पीपल शो फियर, सम शो एंगर एंड सम शो एक्सेप्टेंस, कुछ अपना डर दिखाते हैं, कुछ गुस्सा दिखाते हैं और कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हरी न्यू डैट अनिल वुड बी सैड, अब हरी को यहाँ पे पता है कि जो अनिल है वो कैसा होगा, दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास खो गया, जो विश्वास उसने हरी पे किया था वो एक तरीके से चोरी हो गया, वो विश्वास टूट गया। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, अब हरी को एक तरीके से दिल से अच्छा नहीं लग रहा था, जब उसने अनिल के घर चोरी की तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस हुआ, उससे पहले उसने बहुतों के घर चोरी की थी पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, तो इसीलिए वो वापस भी आया और पैसों के साथ वापस आया। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाई डिड द नैरेटर्स हार्ट शिंक, जो नैरेटर का हार्ट है वो शिंक क्यों हुआ। आंसर है द नैरेटर्स हार्ट शिंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी, सो ही वुड बी सैड एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो नैरेटर है एक तरीके से चौंक जाना ना, जब उसने गीली नोट दी तो वो एक तरीके से चौंक गया कि सब कुछ पता है अनिल को, नोट जो है वो गीली है, पर उसके बाद भी उसने क्या है उसे कुछ नहीं कहा, ठीक है, He had stolen his money, उसे पता है कि उसने उसके पैसे चोरी किए, so he would be sad at the loss of trust, तो शायद वो दुखी होगा, but यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सेवन क्वेश्चन इज ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स और हिज आई शोड एनी थिंग, हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट, वट डिड ही नो, यहाँ पे आपको बोला है कि ही न्यू, उसे सब कुछ पता है, बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आई शोड एनी थिंग, पर उसकी आंखों ने और होठों ने कुछ भी बयान नहीं किया कि उसे सब पता है।
हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, आपको बताना है कि ही किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वट डिड ही नो और उसे क्या पता है, ठीक है। आंसर है ही न्यू, सॉरी ही मीन्स अनिल इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे है कि जो ही है वो हमने अनिल के लिए एक्सट्रैक्ट में यूज़ करते हुए देखा, ठीक है। अगर आप एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही अनिल के लिए यूज़ किया गया है। इवन अनिल आफ्टर नोइंग दैट हरी सिंह हैड स्टोलन मनी, और यहाँ पे अनिल को पता है कि हरी सिंह ने ही पैसे जो है चोरी किए हैं। अनिल नाइदर इवन सैड अ वर्ड ऑफ रिव्यू नॉर शोड बाय हिज गेस्चर्स दैट ही नो अबाउट हिज गिल्ट, हिज काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्ड हरी सिंह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अनिल है उसने बिल्कुल भी शो नहीं किया, उसे सब पता था पर उसने बिल्कुल भी, उसका जो गेस्चर है और बाकी सारी चीज़ें उसने कुछ भी शो नहीं किया कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन हरी सिंह को ये पता है कि अनिल को सब पता है और अनिल को भी पता है, ठीक है, कि हरी ने क्या किया है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करते हैं और शो भी नहीं करते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अनिल जो है वो हरी को, हरी सिंह को एक मौका देना चाहता है, ठीक है। और हिज काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्ड हरी सिंह, उसकी जो काइंडनेस अच्छाई है वो हरी सिंह को ट्रांसफॉर्म कर देती है, ठीक है, मतलब बदल देती है एक अच्छे इंसान में। उसके बाद जो क्वेश्चन 8 है वो है फाइंड द एंटोनिम ऑफ, आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है अकेले, सुनसान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। देन बी है हिड, हिड का मतलब होता है हाइड, मतलब छुपाना एक तरीके से, और शोड का मतलब होता है दिखा देना किसी को, ठीक है, शो करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड का शोड, ठीक है। तो एच आई डी लिख सकते हैं आप, और एच आई डी ई दोनों का मतलब ही हाइड होता है, ओके। देन नाइन्थ क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ, आपको सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, तो जिनका सेम मीनिंग है, जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो फर्स्ट है रिवील्ड, रिवील्ड मतलब कि किसी चीज़ को जो है सबके सामने प्रेजेंट करना, और शोड का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज़ को सबके सामने शो करें, ओके। सो दोनों सेम मीनिंग के हैं, इसीलिए दोनों आप जो है लिखेंगे, ओके। उसके बाद है सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, और स्पिरिट का मतलब भी क्या होता है आत्मा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोल और स्पिरिट जो है ये सेम मीनिंग के, इसलिए लिखेंगे। और उसके अलावा अपीलिंग का मतलब जो है मैं बता देती हूँ कि क्या होता है, अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, आपने शायद पहले भी ये पढ़ा होगा, ओके। सो यहाँ पे एक और बात वो ये कि आपको जो आपकी वर्कशीट है उसमें 10 क्वेश्चन शो करके दिए गए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 लिखा है, पर 8 क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप नंबर ठीक कर लेंगे, ठीक है, 8 और 9, ओके। सो बाय बाय स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे, ओके।